बामर सीरीज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन, यहाँ कहा जा रहा है कि बामर सीरीज जो होता है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में वो किस रीजन में लाइज करता है। इसका ऑप्शन ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रीजन, ऑप्शन बी विजिबल रीजन, ऑप्शन सी इंफ्रारेड रीजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विजिबल रीजन। तो वह जो बामर सीरीज होता है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में वह विजिबल रीजन में लाइक करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, द एनर्जी ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक्सरेज की जो एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन बी हीटर एलिमेंट या हीटर करेंट, ऑप्शन सी एनोड करेंट, ऑप्शन डी हीटर वोल्टेज। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जैसे जैसे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं उसकी एनर्जी जो है एक्सरेज की एनर्जी इंक्रीज करती है और उसका वेवलेंथ जो है कि डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री, द स्पिन क्वांटम नंबर रेफर्स टू। स्पिन क्वांटम नंबर किसको रेफर करता है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन, ऑप्शन सी है सब लेवल आर शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑप्शन डी है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर जो है इस का जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी या स्पिन के डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के स्पिन डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कली मेटल्स द डबलेट सेपरेशन डिक्रीजेस विथ। यहाँ कहा जा रहा है कि एल्कली मेटल्स के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसमें जो डबलेट सेपरेशन होता है वो किसके साथ डिक्रीज करता है ये बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ, या फिर ऑप्शन बी ये डिक्रीज इन ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल नंबर में डिक्रीज होने के साथ, ऑप्शन सी ए इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ, या फिर ऑप्शन डी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग जो है कि डिक्रीज करता है सेपरेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करने के साथ जो डबलेट सेपरेशन होते हैं वो डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, ट्रांजिशन रूल्स फॉर वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अभी आपका जा रहा है कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ट्रांजिशन रूल क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए डेल्टा एन इजिकल टू जीरो, डेल्टा जे इजिकल टू जीरो, ऑप्शन बी है डेल्टा एन इजिकल टू जीरो, डेल्टा जे इजिकल टू प्लस माइनस वन, ऑप्शन सी है डेल्टा एन इजिकल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इजिकल टू प्लस माइनस वन, ऑप्शन डी है डेल्टा एन इजिकल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इजिकल टू जीरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डेल्टा एन इजिकल टू प्लस माइनस वन, डेल्टा जे इजिकल टू प्लस माइनस वन। डेल्टा एन जो है चेंज इन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और
सिस्टम, यहाँ पर जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ऑल एनर्जी लेवल्स आर सिंगलेट, ऑप्शन बी है ऑल एनर्जी लेवल आर डबलेट्स, ऑप्शन सी है द ग्राउंड स्टेट इज सिंगलेट एंड ऑल द अदर एनर्जी लेवल्स आर डबलेट, ऑप्शन डी है द ग्राउंड स्टेट इज सिंगलेट एंड ऑल द अदर एनर्जी लेवल स्टेट्स आर मल्टी स्टेट्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑल द एनर्जी लेवल्स आर डबलेट्स। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो एनर्जी लेवल्स आता है वो जो है कि डबलेट्स होते हैं, यानी इसकी जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो टू होती है, दैट मीन्स टू एस प्लस वन की वैल्यू आएगी टू, और यस जो है इसमें वो हाफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नाइन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल विद ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल ए। अब यहाँ कहा गया कि जो कोई सब सेल है जिसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल एल है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमें बताने हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल एल प्लस वन, ऑप्शन बी ए टू एल प्लस वन, ऑप्शन सी ए टू टू एल प्लस वन, ऑप्शन डी ए टू एल स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी टू टू एल प्लस वन। तो ये कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एल के लिए। वही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टेन, ऑल वाइब्रेशंस प्रोड्यूसिंग ए चेंज इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फील्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि जो सभी प्रकार के जो वाइब्रेशंस हैं प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है मॉलिक्यूल के उसके चेंज होने से जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या फील्ड कहते हैं। ऑप्शन ऑप्शन ए रमन स्पेक्ट्रा, ऑप्शन बी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, या फिर ऑप्शन डी है एक्सरे स्पेक्ट्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा। तो वाइब्रेशंस से जो है कि हमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिलता है और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा होते हैं या इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। इसका
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी की यूज किया जाता है वह एनर्जेशन एनर्जी होता है। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ग्राउंड स्टेट में होता है जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, तो यह आयनाइजेशन एनर्जी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज, जीरो पॉइंट एनर्जी बताना है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ऑप्शन ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 hν, ऑप्शन सी 2 hν, या फिर ऑप्शन डी 0.5 hν या फिर 1/2 hν। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1/2 hν। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसका जीरो पॉइंट एनर्जी जो होता है 1/2 hν होता है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो n+1/2 hν होता है, और ग्राउंड स्टेट के लिए इनकी जो जीरो होती है तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट या फिर जीरो पॉइंट एनर्जी जो है वो 1/2 hν होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, द कांस्टेंट ए इन मोजलेस ला इज, मोजलेस ला में ए जो है कांस्टेंट जो है वो क्या है ये बताना है। ऑप्शन ऑप्शन ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ऑप्शन बी फीडबैक कांस्टेंट, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें जो है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, मतलब ये जो ऊपर ए और बी और सी में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है यानी नन ऑफ दीज। यदि हम इसका एक्सप्रेशन देखें मोजले ला का तो ये होता है अंडर रूट न्यू इक्वल टू ए जेड माइनस बी। इसमें न्यू जो फ्रिक्वेंसी है, ए जो कांस्टेंट है और जेड जो एटॉमिक नंबर है बी भी कांस्टेंट है, जहाँ पर ए जो होता है आर सी ब्रैकेट में 1/(n1)² - 1/(n2)² स्क्वायर होता है, बी जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहा जाता है तो जेड जो एटॉमिक नंबर है ही। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह किसी से मैच नहीं करता है और इसमें आर जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसमें कोई भी नहीं मैच करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देन 15, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक वेट इज बम्बार्ड बाय हाई एनर्जी। यहाँ कहा जा रहा है कि एक्सरे जो है प्रोड्यूस होते हैं जब हम हाई
equal to 0 plus minus 1. Option B, a delta L is equal to 0. Option C, a delta L is equal to plus minus 1. Or option D, a delta L is equal to 1. Is the right answer option C, delta L is equal to plus minus 1. Electron dipole transition के लिए delta L में जो change होना चाहिए single electron के लिए वो plus minus 1 होना चाहिए. अब आइए देखते हैं next question, question 19. Which of the following has the order of increasing energy?
क्वेश्चंस में से 23 क्वेश्चन जो थे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थे, और बाकी जो क्वेश्चन थे 26 में वो क्वांटम मैकेनिक्स से थे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे भी लोग